हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मखाने के ऊपर है। मखाने का जो फुल मेकिंग प्रोसेस है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग को तो शायद पता ही होगा कि जो बिहार का मखाना है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, और स्पेशली जो मिथिलांचल का मखाना है, मिथिलांचल क्षेत्र का, उसको अभी कुछ महीने पहले ही GI टैग मिला है कि मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मखाना जो है वो मिथिलांचल क्षेत्र में ही मिलता है। और मैं खुद मिथिलांचल क्षेत्र में रहती हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मखाने का जो मेकिंग प्रोसेस है वो आप लोग को दिखाऊँ। सबसे पहले जो है हम लोग खेत चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो मखाने की खेती होती है वो कैसे होती है, कैसा उसका खेत होता है मखाने का, वो देखेंगे सबसे पहले। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। और प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहूँ। तो चलिए सबसे पहले खेत चलते। तो देखिए गाइस, हम लोग जो है मखाने के खेत पे पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा। और अभी जो है वो निकाल के हम लोग को दिखाएंगे कि जो वो पत्ता होता है वो कैसा दिखता है और कहाँ पे उसका फल जो है वो रहता है। तो देखिए वो जो है जा रहे हैं अभी। ये सब जो आप गोल गोल देख रहे हैं वो सब मखाने का ही पत्ता है। देखिए अभी जो है वो निकाल रहे हैं वहां से। सीजन में रहे भैया, ये फल बढ़िया था। फल तो सीजन में नहीं रहे। इसमें फल कहाँ पे है? ये फल है ना, दिखाए। ये फल नहीं है। अच्छा, ये पूरा पूरा फल है। ये सब पूरा फल है। फल ये है। अच्छा, फाड़ है। एक फाड़ के दिखाइए तो कैसे है। ये कते फल सीजन में नहीं जाते थे फल। पूरा कांटा है, पूरे पत्ते पे हर जगह कांटा ही कांटा है। देखिए इसमें दाना कचिया से फाड़ दू। गलत आदमी के डर रहते हाथों 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 हमें। देखिए गाइस, इस तरह का फल जो है होता है मखाने का। के अंदर में जो रहता है जमीन, ये कवर है इसका, इसका कवर है। अच्छा, पकने के बाद जो है ना जमीन पे गिर जाता है काला काला होकर। जमीन पे कहाँ, पानी में गिर जाता है। अगस्त में आओगी ना तो सब तो बुझाएगा। अच्छा, तो पानी के ऊपर आ जाता है क्या? नहीं, नीचे रहता है, ऐसे करके इकट्ठा करके उसको निकालता है। ओ अच्छा, ये फूट के झड़ गया। अच्छा, ये देखो बड़े फल है, ये निकल गया है, फूट के निकल गया है। अच्छा, इसमें से निकल गया फल ना, निकल गया। अच्छा, तो पानी में ही गिर जाता है। हम लोग निकालते हैं तो। अच्छा अच्छा, सावन तेल निकाल लेते हैं। अच्छा, अच्छा, जाल से उसको पानी में से पूरा निकालते। हाँ, देखे थे। अच्छा अच्छा,
तो गाइज अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन हो गया है कि सारा मखाना जो है खेत से निकल गया है, तो जैसे कि आपने अभी देखा था मखाने का जो फूल था उसमें से ही जो मखाना है वो उसके जो कवर था उसके नीचे अंदर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसके बाद वो पानी में जो फूल है वो टूट के गिर जाता है और फिर ये लोग जो है उसको छान करके निकालते जाते हैं सुखाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जो है जहाँ पे इसको सुखाया जा रहा है बीज को वहाँ पे चलते हैं। तो गाइज देखिए ये सब जो है पूरा बोरी में मखाना ही भरा हुआ है, सब खेत से ला करके यहाँ पे रखा गया और धीरे धीरे करके सबको फोड़ा जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पे जो है मखाने को धोया जा रहा है, इस तरह से जो है बोरी में करके लाया जाता है खेत से और फिर उसको इस तरह से जो है धोया जाता है। यहाँ पे पूरा टब जैसे बना हुआ है और उसी में जो है पूरा मखाना जो है धोया जाता है। तो ये अच्छे से साफ हो गया है, देखिए गाइस ये जो है पूरी तरह से साफ हो गया है। अब इसको सुखाएंगे ये लोग। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है ये सारा बीज जो है वो सुखाया जा रहा है, सुबह सुबह ही ये सब लाया गया है। जब ये सूख जाएगा तो इसको चन्नी से जो है चाला जाता है। सारा साइज है, सारा साइज है। चार नंबर, तीन नंबर से लेकर के इसको 8-10 नंबर तक इसको गुदिया निकलता है। अच्छा, तो ये जो आप चन्नी देख रहे हैं सारे साइज का है, तो उसके हिसाब से इसको इसमें ही मखाना जो है बीज जो है उसका चाला जाता है ताकि जो भी गंदगी है सब निकल जाए अच्छे से। अच्छा, इसको जो है जो बाहर इसको भूजेंगे। अच्छा, 3 रोज के बाद इसको फोड़ना जाएगा फिर। अच्छा, तो ये मतलब अभी ये सूख जाएगा उसके बाद इसको चालेंगे ना? इसको चालेंगे। अच्छा, तो इसमें से क्या वो मतलब जो गंदा चीजें हैं वो सब निकल जाएगा चालने से, जो वो ये सब निकल जाएगा ना, ये घोंगा टाइप से जो कुछ कुछ है पूरा फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा अच्छे से। कितना टाइम लगता है इसको सूखने में? इसको सूखने में 2.5 घंटा लग जाता है इसको। 2.5 घंटा अच्छे से धूप रहे तो? अच्छे से धूप रहे तो नहीं रहता है तो 2-3 घंटा लग जाता है। 2-3 घंटा लगता है। रोज सुबह ही लेकर के आते हैं? रोज सुबह सुबह। अच्छा, मखाने का जो खेती होता है वो किस टाइम पे होता है, मतलब जो खेत में जो बीज बोया जाता है वो किस टाइम पे, कौन से महीने में? हो गया ये 2-3 महीना बाद इसको रोपेगा, 2-3 महीना बाद से, और इसको फिर 6-7 महीना के बाद इसको फिर इसको निकाला जाएगा, इसको बाहर जो इसे रखा हुआ है बोरे में वैसे निकालेगा इसको फिर हम लोग आएंगे दरभंगा से। अच्छा, आप लोग दरभंगा से आए हैं यहाँ पे फोड़ने के लिए? अच्छा, तो अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो सूख रहा था मखाना उसको फिर कैसे कढ़ाई में डाल के भूजा जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है मखाना जो है वो भूजा जा रहा है। तो कितने देर तक भूजते हैं? ये 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तक भूजते हैं? और फिर इसमें से जो मखाना निकलता है वो कैसे, कब निकलता है? उसमें लगेगा 4-5 घंटा। 4-5। तो इसको ऐसे ही करते रहते तो यहीं पे निकलता है या अलग से? अलग से, वो अलग से होता है। अलग से थोड़ी देर में हो जाता है। अच्छा, थोड़ी देर में। हाँ,
वो आधा घंटे के बाद शुरू होगा। ये वाला भी भुजा गया है। अच्छा, तो गाइस देखिए ये वाला जो बीज है वो पूरी तरह से भुजा गया है। अब इसको इसको आप बालू में भुजेंगे इसके बाद ऐसे ही फिर से। अच्छा, इसको तीन रोज बाद छोड़िएगा। गाइस आपने जो अभी देखा कि जो बीज वो लोग भूज रहे थे उसको कम से कम 3-4 घंटे तक वो लोग ऐसे ही भूजते रहते हैं, और उसके बाद उसको तब जा कर के जो वो बीज है वो अच्छे से भुजाता है और उसको रख देते हैं। 2-3 दिन बाद फिर से उसको फोड़ते हैं जिससे मखाना निकलता है। वैसे ही कढ़ाई में डाल के भूजते हैं, तो वो भी प्रोसेस जो है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस ये वाला जो मखाना है ये 3 दिन पहले भूजा गया था, तो इसको जो है अभी फोड़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये लोग फोड़ेंगे। ये इसका क्या करिएगा, ये जो है छोटा हुआ। अच्छा, वो जलावन के तरह इसको यूज कर रहे हैं ना। देखिए एक कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कढ़ाई में ऐसे ऐसे करते हुए ये कढ़ाई। पूरे 7 कढ़ाई है और 7 कढ़ाई में पहले फर्स्ट वाले में डालते हैं, फिर उसी को शिफ्ट करते करते लास्ट वाले में जाता है, और लास्ट वाले से जो है तो उसको लास्ट वाला जो रहता है उसमें से निकाल के उसको फोड़ा जाता है। देखिए अभी लास्ट वाले में मैंने डाला है, अब इसको थोड़ी देर भूजेंगे और उसके बाद जो है फोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए भाई जी, मैंने अभी हाथ से पानी से गीला किया और अब वो उसके हाथ में डाल गए और ये पक रहा है। देखिए तो इतनी स्पीड से लोग ये काम कर रहे हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कैसे ये मतलब हो रहा है पूरा प्रोसेस। तो आप ये जो गरम गरम हाथ में ले रहे हैं तो आप जल नहीं रहा हाथ? नहीं जल रहा। आदत हो गया है, जल गया। बाप रे, कितना मेहनत का काम है। गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे गरम गरम ही अपने हाथ में लेकर और ऐसे फोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा मेहनत का काम है। उनका हाथ भी जो है वो भी जल गया है, वो गरम गरम अपने हाथ में लेकर के और फिर ऐसे डाल के फिर फोड़ रहे हैं। इसको फोड़ने के बाद इसको साफ कैसे करते हैं? चलना से तो आप देख सकते हैं गाइस कि कितनी जल्दी इन्होंने इतना सारा फोड़ लिया है मखाना। देखिए गाइस, अब जो है इसको इस तरह से अब मखाने को जो है फूट चुका है ये पूरा, अब इसको साफ किया जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मखाना जो है वो कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा फूटा है, एकदम बड़े बड़े साइज के हैं। ये जो जाली है ये खुद से बनाया है? अच्छा, बना हुआ मिलता है मार्केट में? अच्छा, मखाना इतना अच्छा था कि हम लोगों ने भी यहाँ पे 5 kg जो है मखाना लिया। ऐसे बोरी में भर करके ये लोग मखाना दे रहे हैं। तो गाइज, आपने देखा कि जो ये मखाना का पूरा प्रोसेस है वो कितना मेहनत वाला काम है। लोग दिन रात इसमें लगे रहते हैं और उनका जो बॉडी है वो भी ब्लैक हो जाता है उस धुएं की वजह से, सबका आपने देखा ही। और उनका हाथ भी जल जाता है क्योंकि वो एकदम गरम गरम जो मखाने का बीज रहता है वो उठा के उस पर रखते हैं और फिर फोड़ते हैं उसकी वजह से। अभी जो है मखाना का ऑफ सीज़न है, जो मतलब अगस्त सितंबर और अक्टूबर का जो टाइम होता है वो जो होता है मखाना का मेन सीज़न होता है, जिस टाइम पे खेत से जो है मखाना को निकाला जाता है। और अभी 2-3 महीने के बाद जो है फिर से मखाने का बीज जो है वो मतलब डाला जाएगा पानी में, तो 2-3 महीने बाद जो है फिर से मखाना लगाने का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा। और अभी मोस्टली हर जगह जो है मखाना फोड़ने का ही काम चल रहा है। तो ये मखाना है वो स्पेशली मिथिलांचल क्षेत्र में ही होता है, बिहार में, और स्पेशली दरभंगा में सबसे ज़्यादा होता है। जो वर्कर वगैरह भी रहते हैं वो सब भी दरभंगा के ही रहते हैं मोस्टली। जो हमारे गांव में भी रहते हैं वो सब भी दरभंगा से ही आते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे और भी आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि मखाना का जो प्रोसेस है बनने का वो क्या है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।